मैक्स बेंडिंग का मशीन जो कि लिप्टन मशीन कहते हैं इसको, आप कई बार देखे होंगे येलो कलर का, बट ये ब्लैक में है। तो आइए हम इसके ऊपर देखते हैं कितनी गंदी हुई पड़ी मशीन है, कितनी गंदी तरीके से टूटी पड़ी है। हम इसे यहाँ सर्विस करने के लिए लेकर आए हैं, ये देख सकते हैं। ये हमारा कोई इंजीनियर है जो कि मैक्स बेंडिंग पे ये लगा रखा है, नेस्कैफे का स्टिकर लगा रखा है। तो आइए हम जानते हैं कि इसको ना कैसे, पहले इनका पार्ट खोलते हैं, मैं पार्ट इसका खोलने पर दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वही डीबी है जो नॉर्मली लगता है। तो हम ऐसे खोलते हैं इन मशीनों को, देखिए ये सबसे अलग मशीन है। जैसे कि आप देखेंगे कि अमेजोन से और नेस्कैफे से अलग इसके पार्ट है, उसमें तो टर्न होकर खुलता है, मैंने दिखाया है अमेजोन वाले में कि कैसे टर्न होकर पार्ट खुलते हैं। इसका आप देखेंगे कि इसका कैसे खुलते हैं, ये ऐसे निकालेंगे हम यहाँ से इसको, थोड़ा इसमें ताकत लगानी पड़ती है। ये मिक्सिंग बॉल, वैसे इनकी क्वालिटी जो होती है बहुत बढ़िया होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें पेपर बेस में ये जो रेड कलर का सील है, ये तो सील है, इसे भी चेंज करनी पड़ती है। अगर हम सर्विस करने जाते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने या 4 महीने पर चेंज करनी ही पड़ती है, अगर ना करेंगे तो हमारा मोटर डैमेज कर देती है ये। सेम अगर हमारे पास पैसे वगैरह ना हो तो हम ऐसे आराम से इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा काफ़ी दिनों से बंद थी, थोड़ा बहुत जाम है, देखते हैं इसको, काफ़ी ताकत लगानी पड़ रही है। सकते हैं उधर से, चलो हमने इसको पूरा खोल लिया और अब हम चलते हैं इनके बैक साइड पे। इनके बैक साइड के अंदर क्या क्या होता है वो दिखाते हैं हम। तो हम इनके बैक साइड खोलेंगे, ये वही सेम जो नॉर्मली सारे मशीनों में लगती है, पेपर मोटर, गियर मोटर, ये वही है। और इनका जो देखेंगे थोड़ा गंदा है, और जो है इसमें मुझे इतनी तो कुछ खास अंदर नहीं दिख रहा। इसको मैं दिखाऊंगा एक बार, वायर वगैरह जो है इसका, आँखों से बात धड़कन भी साथ दी, न समझे के जुआ धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं, जो धीरे से वो जाते हैं, चोरी चोरी से वो एक चुराते हैं, वो भी छर जाते हैं कसरे से। ये देखो ये मशीन हो चुकी है रेडी, अब बिल्कुल 20 मिनट बाद बिल्कुल जो गंदी थी, कितनी बहुत ज़्यादा गंदी थी, उससे कई गुना ज़्यादा भी साफ़ हो चुका है। देख सकते हैं आप कैसे चमक रही है, बिल्कुल देखें आप कितना ज़्यादा पीला पड़ा हुआ था इसका टैंक। और पता नहीं ये जो इस बंदे ने कहीं मशीन लगवाई थी उसने कभी सर्विस करवाई है नहीं करवाई है, ये आज तक मुझे पता नहीं लगा। तो कितनी गंदी मशीन, तो सर देख रहे अभी इसका डीबी के हाल से देख समझ सकते हैं कितनी पुरानी मशीन हो सकती है, कितनी गंदी मशीन है ये। आप इससे पहले मैंने मशीन को दिखाया था और आप देख रहे हैं कितना सही है, और इसका भी डिस्प्ले पे हिटिंग लिखा रहा है। और यह है मैक्स बेंडिंग का मशीन जो ग्रूव बेंडिंग बनाता है। तो अभी हीटिंग होने के बाद हम इस मशीन को प्रॉपर तरीके से चलाएंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए ये वही मशीन है जो मैंने आपको दिखाया है, देख सकते हैं वही है, बट इस पर किसी ने, हमारे इंजीनियर कलाकार है जो कि नेस्कैफे का स्टिकर लगाया गया है इसके ऊपर। मशीन ऑन है और इसका ये थर्मोस्टेट है जी, इस थर्मोस्टेट के बारे में बताऊंगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इस थर्मोस्टेट के बारे में, थर्मोस्टेट क्या काम करता है इसके अंदर एक्चुअली में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंसर है, सेंसर कितने पावर का होता है वो भी, डीबी नॉर्मली डीबी तो मैंने बता रखा है पहले ही, सारे में वही होता है वो भी देख लें। अभी हम इसको बस चलाएंगे हीटिंग होने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं हीटिंग अभी हो रही है जी। हम चलाएंगे, मेकर चॉइस लिखा है, फर्स्ट कॉफ़ी का है जो आप देख सकते हैं चल रहा है। ये मशीन कितनी गंदी थी इससे पहले, इसकी टैंक पूरी पीली पड़ गई थी, और आप देख सकते हैं अभी टैंक कैसा है बिल्कुल, जो कि इसमें अब कॉफ़ी पीने का मन हमारा भी कर रहा है इसमें। तो हम चलाएंगे टी,
बेवरेज देख सकते हैं चल रहा है। वैसे देखेंगे आप यह है सूप का ये थर्मास्टेट है यहाँ लगेगा और मैं थोड़ा इसका सिस्टम देखा हूँ।